मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट एक की टीम ने मीरा रोड के विंगस्टोन इमारत के रूम नंबर 15 में हुई 26 लाख रुपए की चोरी के मामले को सुलझाते हुए एक आरोपी को गुजरात के वलसाड रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी सगी बहन के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट को हिरासत में मौजूद इस आरोपी का नाम फरमान जावेद खान है। फरमान ने अपनी सगी बहन के घर पर चोरी कर बहन भाई के रिश्तों को कलंकित किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी फरमान को ये जानकारी थी कि उसकी बहन की शादी के लिए बड़ी बहन ने घर में कैश और सोने के जेवरात कपाट में रखे हुए हैं। चार की रात को जब फरमान की बहन और घर वाले एक शादी में शामिल होने के लिए बाहर जा रहे थे, आरोपी फरमान ने बीमार होने का बहाना कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मीरा रोड पुलिस थाने में जो है 5 नवंबर एक घरपोड़ी की घटना का एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। उसमें जो है इसका मतलब इस टाइप से था कि इसमें 25 लाख रुपए की यानी जो घरपोड़ी रजिस्टर करवाई थी, माननीय पुलिस आयुक्त सदानंद दाते सर ने जो है उसका इम्पोर्टेंस लेके जो है क्राइम यूनिट को इंस्ट्रक्शन दिया था। उसके तहत जो है क्राइम यूनिट एसीपी क्राइम मांडवे जो है वो क्राइम यूनिट 1 के पीआई कुराड़े, सेंट्रल यूनिट के पीआई राख और पुलिस स्टेशन के जो है बागल और उनकी डिटेक्शन टीम इसके ऊपर वर्क कर रही थी। जैसे 25 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम थी, तो हमारे क्राइम यूनिट 1 की 3 टीम करवाई थी। पीआई कुराड़े जो थे वो थे एपीआई सुरवे और पीएसआई विचारे, ये जो लोग हैं उसके ऊपर काम कर रहे थे। जैसे ही ऑफेंस रजिस्टर हुआ और पुलिस वहां पे गई थी तो एक पता चला कि जो भी अक्यूज है वो कोई यानी नोन पर्सन हो सकता है। उसके तहत हमने जैसे छानबीन करवाई तो ऐसे पता चला कि फिरियादी का जो एक जो भाई है वहां पे आया था और वो तब से वहां पे नहीं था। तो जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाया था तो हमें जो सबूत मिले उसे देखा कि आरोपी जो है वो चोरी करवा के बाहर निकला था। तो जैसे हमारी जो टीम है यूनिट 1 की लगातार उसके ऊपर वर्कआउट कर रही थी, तो कल जो है कि हमें वलसाड गुजरात से आरोपी मिला। और जैसे आरोपी और ने जो चोरी की थी जो भी रकम है उसमें से जो है 25 लाख 24 हजार रुपए और जो भी रकम उसने चोरी की थी उसमें कुछ उसने मोबाइल वगैरह खरीदी किए थे, तो वो रकम जो है आरोपी और ये जो रकम रिकवर करने में यूनिट 1 की बड़ी कामगिरी यूनिट 1 ने की है। सगे भाई ने साहब बहन की घर पे चोरी की सर। यस, ये जो आरोपी है जो फिरियादी है उसका सगा भाई है। उस दिन जो उसके घर पे आया था और उसने पहले ऐसे बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, वो जो फिरियादी और उसके जो घर वाले थे एक शादी के लिए बाहर जा रहे थे, तो उसने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पे रुका था और उसके बाद उसने एक ऑफेंस करवा के वो निकल गया। उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, लेकिन जैसे है कि जो फिरियादी के और यहाँ पे एक शादी थी तो शादी की तैयारी वगैरह चल रही थी, तो उनको पता था कि घर में पैसे हैं और इसलिए फिर उसने उसे अंजाम दिया। शाबाश चल रहा है, लेकिन जैसे ही अभी तक जो चल रहा है वो ऑफेंस एक ही अक्यूज होगा और फिर हम जानते हैं अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में चल रही है। लेकिन पैसा कैसे लेके गए सर, उसने अभी इन्वेस्टिगेशन का बार रहेगा, अभी हम नहीं। जो आरोपी की पत्नी है उसे जानकारी थी चोरी के बारे में, अगर वो उसी छानबीन हम कर रहे हैं। उनका रिश्ता क्या था चोरी करने वाले से? अपराधी है जो फिरियादी है उसका भाई है। सगा भाई? यस। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक कितने का माल बरामद किया है और जो है कल हमने उनको यानी ताबे में लिया है और कल अभी तक जो है हमारे पास 25 लाख 24 हजार रुपए कैश और जो उसने मोबाइल खरीदा।